हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपाली श्रेष्ठा। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूं आलू भिंडी। तो चलिए आइए देखते हैं। आलू भिंडी बनाने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल के गैस ऑन कर दिया है और अब हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है। पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली सरसों जिसे हम राई भी बोलते हैं, 1/2 चम्मच हो जाए तब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच जब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज और 5 हरी मिर्च कटी हुई। और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारा प्याज भी लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। इसको हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, टमाटर डालने के साथ साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपने ड्राई मसाले। एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। एक चम्मच कसूरी मेथी। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारे सारे मसाले फ्राई हो जाते हैं इसमें हम डालेंगे अपनी भिंडी, 1/2 किलो भिंडी, 4 मीडियम साइज के आलू जिन्हें मैंने पहले ही धो के पोंछ के काट लिया है, 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारी सब्जी और मसाले कढ़ाई में लगे ना। सब्जी को बीच बीच में से आप चलाते रहिए ताकि हमारी सब्जी नीचे कढ़ाई में लगे ना। ये देखिए हमारी सब्जी अब बन चुकी है। बिल्कुल भी हमारी सब्जी चिपचिपी और
हमारी भिंडी भी एकदम खिली खिली है, नहीं बनी है, भिंडी बिल्कुल खिली है और सब्जी बिल्कुल चिट्टी भी नहीं बनी है। ये देखिए आलू भी गल चुके हैं, अब हमारी सब्जी बन चुकी है। अब मैं करती हूँ गैस का फ्लेम बंद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको मेरी ये सब्जी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है।